हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ तीन एग्जांपल की बात करेंगे। इसका मैं पूरा डिटेल वाइज वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी आपके पास भी कम है प्लस मेरे पास भी कम है। तो मैं आपको ये तीन एग्जाम्पल बता रहा हूँ और ये एग्जाम्पल या तो ये एग्जाम्पल या इन्हीं के जैसे सेम एग्जाम्पल अपने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपने भी देखे होंगे जब पेपर पढ़ा होगा कि एक तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा जाता है कि निम्न LPP का लेखाचित्र विधि से हल कीजिए और इस तरह से हमको कुछ इक्वेशंस दे दी जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट नोटबुक के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो एक बार आप समझ लें और जो मैं PDF अपलोड करूँगा उसको एक बार वापस आपके पास टाइम हो तो एक बार आप हाथ से दोहरा लें, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। क्या क्या क्वेश्चन क्या है? निम्न LPP का लेखाचित्र विधि से हल कीजिए। तो देखो हमको क्या दे रखी है, एक चीज़ तो क्या दे रखी है, मिनिमम जेड, ये क्या दे रखा है, निम्नतम जेड दे रखा है, उसकी वैल्यू 2x1 + 3x2 दे रखी है। बाकी ये कुछ प्रतिबंध दे रखे हैं हमको, क्या दे रखे हैं प्रतिबंध, क्या दे रखे हैं x1 + x2 > 4, इस तरह से कुछ प्रतिबंध दे रखे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो लेखाचित्र विधि, लेखाचित्र मतलब विधि मतलब ग्राफ से हमको इसको सोल्व करना है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई है। अब ग्राफ बन इसको लास्ट में लेंगे, हमको ये फाइंड करना है मिनिमम जेड, ठीक है ना। तो इसको लास्ट में लेंगे, अभी हमको प्रतिबंध यूज़ में लेना है, ठीक है ना। प्रतिबंध कैसे यूज़ में लेंगे, कुल मिला के इन इक्वेशंस की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने में तो आप माहिर हो। क्या करेंगे, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x1 + x2 > 4। तो आपको लेस देन अभी भूल जाना है, आपको क्या याद रखना है, x1 + x2 = 4। तो देखो क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन, x1 + x2 = 4। अब आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 को डिवाइड में ले आएंगे, तो x1 / 4 x2 / 4 इक्वल में क्या चल जाएगा, 1। तो एक इक्वेशन ही हो गई। सेकेंड इक्वेशन चल रही है 6x1 + 2x2 = 8 कर देंगे, तो 6x1 + 2x2 = 8। इक्वल वाला क्यों यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए इक्वल वाला यूज़ लेना पड़ेगा हमको। तो अब क्या करेंगे, इस 8 को डिवाइड में लेके आ जाऊंगा, तो ये डिवाइड में आ गया। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड हो गया। और अब देखो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए ऊपर केवल x1 और x2 चाहिए, बाकी सब संख्या को नीचे भेज दो। तो इस 3 को मैंने 3 नीचे भेजूंगा तो कहाँ जाएगा, 4 के भी नीचे, तो कहाँ आ जाएगा ये 4/3 और x2 के नीचे 4। आ गई बात समझ में। तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, तीसरी इक्वेशन थी कि x1 + 5x2 = 4। तो तीसरी इक्वेशन है ये अपने पास x1 + 5x2 = 4। तो ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो x1 के डिवाइड में 4 और x2 के डिवाइड में देखो 4 डिवाइड में आ जाएगा, और फिर 5 को भी नीचे भेजेंगे तो 4/5 = 1। और जो लास्ट में है वो क्या है, एक तो x1 = 3 है और एक x2 = 3 है। क्या ये अपने पास x1 = 3 और x2 = 3, ये कुछ इक्वेशंस मिल गई हमको। अब इनकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। देखो हमको ग्राफ कैसे बनाना है, एक तो हमने ये वाली लाइन खींची xx, ये तो हमारी क्या होगी x1, ये तो हमारी क्या होगी x1, और जो y एक्सिस है वो हमारी क्या होगी x2, ये ध्यान रखना आपको। y एक्सिस तो क्या होगी x2 और जो x एक्सिस है वो क्या होगी हमारी x1, ठीक है। अब हमारी जो रेखाएँ थी वो क्या क्या आई, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ से डायरेक्ट ही समझा रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जो पहली रेखा थी वो क्या थी हमारे पास कि, चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, x1 / 4 x2 / 4, यानी x1 पे भी कौन सा पॉइंट लेना है, 4 वाला, x2 पे भी 4 लेना है। तो ये वाली रेखा है, जैसे ये x1 पे 4 है ये, ठीक है ना, ये क्या है x1 = 4 है, और क्या है, और ये x2 पे भी 4 है। दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, हाँ ये x1 पे 4 है और ये भी x2 पे 4 है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो एक लाइन मिल गई हमको, लाइन बनाना था आप जानते हो। फिर एक दो रेखा ये भी थी, इनको पहले सोल्व कर लेते हैं अपन, x1 = 3 और x2 = 3। तो देखो x1 है, x1 पे 3 कौन सी है, ये वाली, और x2 पे 3 कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन्स भी आ गई। फिर एक और सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है अपने पास, x1 पे तो कितनी है 4/3, 4/3 मतलब 1 और 2 के बीच में, और x2 पे कितना है 4। x1 पे तो है अपने पास 1 और 2 के बीच में, और x2 पे है अपने पास 4, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। एक लाइन और है अपने पास, क्या है, x1 पे 4 है और x2 पे 4/5, यानी 1 से भी कम। x1 पे तो कितना है अपने पास 4, और x2 पे कितना है ये, तो दोनों को मैंने मिला दिया, एक लाइन ये भी मिल गई। इस तरह हमको एक एरिया मिल गया। अब ये पूरा एरिया मिल गया, हमको क्या करना है, जो सबके बीच में हो, सबके बीच में मतलब सबसे घिरा हुआ जो क्षेत्र हो, सबसे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा, देखो इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, सबसे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये वाला,
आई चीज समझ में। अब ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये वाली लाइन से भी गिरा हुआ चाहिए ना, तो ये अंदर आएगा। तो ये अंदर वाला क्षेत्र क्या आ गया हमारे पास, इनसे गिरा हुआ क्षेत्र आ गया। लेकिन अभी क्षेत्र से कोई लेना देना, ये क्षेत्र तो कैसे आया हमारे पास, इन चीज़ों से जो हमने ये लगा रखे ना, लेस देन ग्रेटर देन, इसलिए हमने इन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया। आई चीज़ समझ में। ये तो हमारा हो गया ग्राफ। अब हमको किसका यूज़ लेना है, अब हमको इक्वेशंस को सोल्व करना है। इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, इनकी एक्स वन और एक्स टू की अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। सबसे पहले मैंने बिंदु बी के लिए लिया, ठीक है ना, बी से। अब देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना हमको कितने बिंदु मिले ये वाले क्षेत्र में। मैंने इसको ए मान लिया, तो ए बी सी डी और ई, इस तरह से हमको कितने बिंदु मिले, पांच बिंदु। तो मैं इस बिंदु से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिंदु बी से। बिंदु बी कौन सी रेखा पर है, देखो बिंदु बी इस रेखा पर है, और ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वल टू फोर, एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वल टू फोर, ठीक है। और एक एक तो ये वाली रेखा है बिंदु बी पर, मतलब बिंदु बी एक तो इस रेखा पर है, और एक कौन सी रेखा पर है, एक ये वाली भी तो है खड़ी वाली, और ये कौन सी है, एक्स वन बराबर थ्री। तो दो लाइन आ गई, एक तो आ गई एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वल टू फोर, एक आ गई एक्स वन इक्वल टू थ्री। एक तो आ गई एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वल टू फोर, एक बार आ गई एक्स वन इक्वल टू थ्री। दोनों को जब सोल्व किया तो वैल्यू क्या आई यहाँ पे, यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू तो आ गई थ्री, और एक्स टू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, वन बाई फाइव। इसको आप सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, थ्री। और तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स वन और एक्स टू, इस तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स वन और एक्स टू। तो थ्री और वन बाई फाइव यानी थ्री और पॉइंट टू। ऐसे बिंदु सी के लिए तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि बिंदु सी कौन सी रेखा पर है, तो दो रेखा ऊपर है, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू फोर और एक्स वन इक्वल टू थ्री। दोनों को सोल्व किया तो पॉइंट क्या आ गया, ये। ऐसे बिंदु डी को देखोगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू फोर और एक्स टू इक्वल टू थ्री, इन दोनों रेखा ऊपर स्थित है, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, वन और थ्री। ऐसे बिंदु ई को देखोगे आप तो ये भी दो रेखा ऊपर स्थित है, और पॉइंट निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वन बाई थ्री और थ्री। ये तो बाकी अदर पॉइंट हो गए। अब हमको एक पॉइंट और निकालना, और वो क्या है हमारा, बिंदु ए। जब हम बिंदु ए की बात करेंगे तो बिंदु ए जो हमारा स्थित है वो कौन सी रेखा पर स्थित है, देखते हैं। बिंदु एक तो, बिंदु ए एक तो ये वाली सिक्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू एट, ठीक है, और एक ये वाली रेखा पर स्थित है एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वल टू फोर। कि एक तो किस पर स्थित है बिंदु, कि एक्स थ्री सिक्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू एट, और एक स्थित है एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इक्वल टू फोर, लेकिन हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए। सिक्स से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, माइनस ट्वेंटी एट, और इधर क्या बचा, माइनस सिक्सटीन। जब मैंने इसको सोल्व किया तो लास्ट में जाके हमारे पॉइंट क्या आ गए, 1.14 और ये 0.57। ये हमारे ए के पॉइंट। इस तरह से हमको ए के भी मिल गए, बी सी डी ई, पांचों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने इधर लिख दिए, आगे चीज़ समझ में। अब हमको क्या निकालना है, मिनिमम जेड। मिनिमम जेड कैसे निकालेंगे, कि टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू, ये हमको स्टार्टिंग में दे रखा था मिनिमम जेड निकालने के लिए। क्या करना है आपको, हर पॉइंट के लिए एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू अलग अलग है तो वो रखनी है। ऐसे ही बी के लिए भी रखूँगा, ऐसे सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। फिर ये वैल्यू आंसर निकालूंगा, जिसका आंसर मिनिमम आएगा, हमको निकालना क्या है, मिनिमम। जिसका आंसर मिनिमम क्या आ रहा है, इस सब में आंसर मिनिमम चार आ रहा है, तो मिनिमम जेड हमारा क्या हो जाएगा, चार। इस तरह से हमको सोल्व करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेखा चित्र विधि से हल कीजिए, ठीक है। जेड बराबर क्या दे रखा है, टू एक्स वन माइनस टेन एक्स टू, हमको क्या निकालना है, मिनिमम। कभी कभी यहाँ पे मैक्सिमम भी आ जाता है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकाल लेनी है। और ये हमको प्रतिबंध दे रखे हैं, मतलब रेखाएँ दे रखी है। पहली रेखाएँ क्या है, कि एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये हमारी पहली रेखा हो जाएगी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। दूसरी क्या है अपने पास, एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू इक्वल टू माइनस फाइव है, तो इस माइनस फाइव को इधर लेके आ जाऊंगा, तो क्या कौन सी रेखा आएगी, एक्स वन के नीचे माइनस फाइव आ जाएगा, और ये माइनस फाइव से माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स टू के नीचे वन आ जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है, वन। ये सेकेंड रेखा आ गई, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू को कैसी रेखा होती है, जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो और मूल बिंदु से ये वाली रेखा गुजर गई, तो एक रेखा तो ये हो गई मेरे पास। सेकेंड क्या है, देखो एक्स वन पे माइनस फाइव है, एक्स टू पे वन है, एक्स वन पे माइनस फाइव, ये रहा, ये एक्स वन बराबर माइनस फाइव और एक्स टू पे वन, दोनों को मिला दिया, ये वाली रेखा मिल गई। दोनों के बीच वाला एरिया कौन सा आ रहा है, दोनों के बीच का एरिया आ रहा है ये वाला, तो इसको मैंने शो कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और हमको केवल यहाँ पे एक बिंदु मिल रहा है, कटान बिंदु एक मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, ए। अब एक, ठीक है ना, तो एक के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे हमको।
तो ये तो दो ही रेखा, तो यहाँ पे तो रेखा ही दो ही है और दोनों पे है वो कि एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू इक्वल टू माइनस फाइव, और एक क्या है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। इसको मैंने कैसे निकाला देखो, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो था तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो मैं क्या कर दूंगा एक्स टू है जहाँ पे क्या लिख दूंगा एक्स वन लिख दूंगा। तो ये एक्स वन तो चल ही रहा है माइनस, एक्स टू की जगह एक्स वन कर दिया बराबर में माइनस पाँच चल रहा है, इसको सोल्व करूंगा तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव बाई फोर। ऐसे ही मैं फिर एक्स वन की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर इसमें रख दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से एक्स टू की जो वैल्यू लिख लेगी वो भी कितनी आएगी मेरे पास फाइव बाई फोर। तो अब हमको क्या निकालना है मिनिमम जेड, मिनिमम जेड क्या दे रखा था टू एक्स वन माइनस टेन एक्स टू। तो यहाँ एक्स वन की वैल्यू क्या है फाइव बाई फोर, एक्स टू की वैल्यू भी फाइव बाई फोर है, सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस टेन, और ये हमारा क्या है मिनिमम जेड। इसमें केवल एक ही पॉइंट था तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो इस तरह से हमको निकालना है, कभी मतलब कोई भी तीन नंबर का क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, मुझे टाइम नहीं मिला उस कारण मैं पहले नहीं बना पाया, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है तो दो मिनट आप जरूर देख ले इस वीडियो को, फिर चलते हैं। ये तो हमारे हो गए इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको लेखा चित्र विधि से हल करना है। फिर इस तरह का क्वेश्चन एक और आता है तीन नंबर में कि निम्न एल पी पी की डी पी आई द्वैती ज्ञात कीजिए, कि निम्न एल पी पी या निम्न प्रोग्रामन समस्या की निम्न प्रोग्रामन समस्या की द्वैती ज्ञात कीजिए ऐसा भी आ जाता है, या डीपी ज्ञात कीजिए ऐसा भी आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसको ड्यूअलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे क्वेश्चन देखो लोग, सबसे पहले बहुत इजी है ये, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि जेड हमको दे रखा है मैक्सिमम जेड क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और बाकी ये हमको इक्वेशंस दे रखी है मतलब प्रतिबंध दे रखे, बस क्वेश्चन तो हो गया। अब हमको क्या उसमें तो लेखा चित्र विधि में तो आपको ग्राफ बनाना पड़ता है इक्वेशन बना के, इसमें क्या करना पड़ता है इसमें आपको मैट्रिक्स रूप में लिखना पड़ता है जो आपको प्रतिबंध दे रखा है उसको, ठीक है ना। देखो प्रतिबंध क्या दे रखा है आपको, ये चीज़ें इनको मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स रूप में जो जो संख्या है एक्स वन के एक्स टू के एक्स ये एक्स थ्री है ना, इनके साथ में जो जो संख्या है इनको आप मैट्रिक्स रूप में इस तरह से लिखोगे, इसको आप ए मान लोगे। देखो क्या क्या है फाइव सिक्स माइनस वन, फाइव सिक्स माइनस वन इनके गुणांक लिखने हैं अपन को, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के, माइनस टू वन फोर, माइनस टू वन फोर, वन फाइव थ्री, वन फाइव थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री सेवन, माइनस थ्री, माइनस थ्री सेवन, ठीक है। एक सबसे पहले तो ये लिख लेना, फिर देखना है कि एक्स मतलब एक्स एक्स कौन कौन से है यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तीन तरह के एक्स है लेकिन इनको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना, स्तंभ के रूप में कॉलम के रूप में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो वापस मल्टीप्लाई कराएंगे ना फाइव का एक्स वन से, सिक्स का एक्स टू से, माइनस वन का एक्स थ्री से, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसी तरह होता है मैट्रिक्स में आपको पता है। और फिर क्या लिखेंगे ये वाली संख्या, ये वाली संख्या को मैंने क्या मान लिया बी, तो ये तो पहले कॉलम के रूप में है तो थ्री फोर वन सिक्स कोई दिक्कत है। और यहाँ पे एक चीज़ और आएगी सी, सी क्या है यहाँ पे सी ये वाला जो हमको मैक्सिमम दे रखा है ना टू फाइव और सिक्स, इसके गुणांक है सी क्या है टू फाइव और सिक्स, ये तो हो गया। अब बस इस मैट्रिक्स को हमको चेंज करना है, चेंज कैसे करेंगे देखो, इस समस्या की द्वैती निम्न प्रकार से होगी, कैसे होगी कि जो मिनिमम, अब बस जो ये चीज़ें थी ना इसको अलग तरह से लिखना है, किस तरह से लिखना है, जो मिनिमम हमको दे रखा मैक्सिमम का तो हमको क्या करना है द्वैती मतलब मैक्सिमम का हमको मिनिमम करना है कि, ठीक है ना, तो मैक्सिमम का तो हो जाए मिनिमम, और मिनिमम किस तरह का होगा, पहले जेड था तो जेड की जगह जेड डी आ जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा जो बी, जो हमने बी निकाला था ना अभी, बी को हमको ट्रांस ये ट्रांस मतलब आपको पता है क्या करते हैं इसमें, अभी इसकी क्या एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे इसका बी की मतलब ये कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इस तरह से करना है इसको, और इसको कुल मिला इन्वर्स टाइप कुछ करते हैं, ठीक है, थीके? और ये मल्टीप्लाई में हमको क्या लेना है डब्ल्यू लेना है, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है ना। और प्रतिबंध निकालने के लिए एक ए टी डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल और सी टी और एक ये निकालेंगे, ये चीज़ें याद रख लेना, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो इनको लिखना कैसे वो मैं बता देता हूँ, जेड डी तो हमारा एज इट इज़ है बराबर, बी के ऊपर टी लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि बी क्या था हमारा, ये था, इसका मतलब ये होता है कि ये अभी स्तंभ के रूप में है तो इसको कैसे रख देंगे पंक्ति के रूप में लिख देंगे, आगे चीज़ समझ में, तो ये स्तंभ के रूप में है तो इनको पंक्ति के रूप में तीन चार एक छः पंक्ति के रूप में आ गया। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब पहले एक्स था अपने पास तो अब डब्ल्यू आ गया, तो देखो एक्स क्या था अपने पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, और डब्ल्यू फोर कैसे आया ये आपको मैं अभी बताऊँगा आगे चल के, ठीक है ना। अभी आप केवल ये ध्यान रखो या आप यहाँ से समझ लो ना, देखो समझ में आ गया कि यहाँ पे स्तंभ क्या है थ्री फोर वन सिक्स, ठीक है ना, ये अपना स्तंभ, ये किस में चेंज हो गया पंक्ति में,
पंक्ति में चेंज हो गया, तो अब देखो चार पंक्तियाँ है तो अपन को ये भी चार ही चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का W1 से होगा, 4 का W2 से होगा, 1 का W3 से होगा, 6 का W4 से होगा, इसलिए अब हमको W कितने लेने पड़ेंगे, 4। ये तो हमारा क्या निकल गया, मिनिमम। प्रतिबंध निकालेंगे तो प्रतिबंध का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, कि ATW और ग्रेटर देन CT, ये बताया था। AT का मतलब क्या है, देखो A क्या आया था अपना, A ये आया था, इसमें क्या होगा जो पंक्तियाँ हैं वो तो किस में बदल जाएगी, स्तंभ में, और जो स्तंभ है वो पंक्तियों में बदल जाएंगे। देखो पंक्तियाँ स्तंभ कितने, 3 ही है, तो पंक्तियाँ 3 हो जाएगी अब, और इस पंक्तियाँ 4 है तो स्तंभ कितने हो जाएंगे, 4। कुल मिला के देखो ये 5, 6, -1 ये पंक्ति है तो ये स्तंभ में बदल जाएगा, 5, 6, -1 ऐसे, -2, 1, 4, 1, 5, 3 इस तरह से हो गया। फिर आता है W, वही हमको स्तंभ कितना आ गए, 1, 2, 3, 4 आ गए, तो W भी हमको 4 लेने पड़ेंगे, W1, W2, W3, W4 ये ग्रेटर देन इक्वल, और सी देखो हमने इस तरह से लिखा था 2, 5, 6, अब क्या हो जाएगा स्तंभ में चेंज हो जाएगा 2, 5, 6। तथा लास्ट में हमको क्या दे रखा था, W निकालना था, W1, W2, W3, W4 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, X1 भी यही दे रखा था, X1 > 0, X2 > 0, X3 > 0। अब लास्ट में क्या करेंगे, वही इनको इस फॉर्म में लिख देंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मिनिमम ZT, इनको सोल्व कर लूँगा मैं, जो हमने अभी निकाला ना ये, इसको सोल्व कर लूँगा। देखो 3 का W1 से, 4 का W2 से, 1 का W3 से, 6 का W4 से, तो यही किया मैंने, 3W1, 4W2, W3, 6W4। प्रतिबंध में क्या करूँगा, देखो 5 का W1 से, -2 का W2 से, +1 का W3 से, -3 का W4 से, और इक्वल में क्या लिखूँगा, या ग्रेटर देन इक्वल में क्या लिखूँगा, 2। ऐसे इस वाली पंक्ति का मल्टीप्लाई पूरे से, और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में क्या लिखूँगा, 5। ऐसे इस वाली पूरी पंक्ति का मल्टीप्लाई W1, W2, W3, W4 से, और ग्रेटर देन इक्वल में क्या लिखूँगा, 6। ये हमको प्रतिबंध मिल गया, और लास्ट में तो हमको पता ही है W1 > 0, W2 > 0, W3 > 0, W4 > 0। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, तो आप एक बार अच्छे अपनी तरह से समझने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने बनाया, अभी बड़ा वीडियो बनाता तो उसको अपलोड करने में, एडिट करने में बहुत टाइम जाता। ठीक है ना, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, सॉरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।